मैं भी इतना पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, कितने लोग हैं? मेरे कपड़े फाड़े गए हैं। पहलवानों के प्रदर्शन में नया मोड़, विदेश ने दिल्ली पुलिस से क्यों पूछा हमारा एनकाउंटर करने आए हो? भारी हंगामे और बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार जंतर मंतर को खाली करा दिया है, बल्कि पिछले एक महीने से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत अन्य पहलवानों पर सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई, दंगा करने और ड्यूटी पर तैनात पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालने का मामला भी दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट को रविवार शाम को ही छोड़ दिया गया था। इन पहलवानों पर देर रात पुलिस ने दंगा करने, गैरकानूनी जमावड़ा करने, ड्यूटी के दौरान पुलिस के काम में बाधा डालने के आरोप में केस भी दर्ज कर लिया है। लेकिन रिहाई के बाद साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और दूसरे पहलवान फिलहाल अपने घर यानी कि हरियाणा लौट गए हैं। हालांकि साक्षी मलिक ने कहा है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, और वहीं इस मामले में विनेश फोगाट की उनके साथ आए सुरक्षा कर्मियों से जमकर बहस भी हुई है। विनेश ने कहा कि क्या वो हमारा एनकाउंटर करने आए हैं, हालांकि पुलिस ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सिर्फ सुरक्षा देने आए हैं। पहलवान विनेश फोगाट ने बताया कि दिल्ली से पहलवान सामान लेकर वापस जा रहे थे तो दिल्ली पुलिस का दल बल उनके पीछे लग गया था, जिसके बाद करनाल बाईपास पर पहलवानों ने अपनी गाड़ी रोकी और पुलिस से इसकी वजह पूछी तो पुलिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपको सुरक्षा देनी है। इसी पर विनेश फोगाट ने कहा कि उन्हें कल शाम 7:30 बजे थाने से छोड़ा गया था, उसके बाद ये PSO कहाँ थे, और अगर PSO होते तो इतनी पुलिस को पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस दौरान विनेश फोगाट ने पुलिसकर्मियों से सवाल करते हुए पूछा कि क्या आप हमारा एनकाउंटर करना चाहते हो। साथ ही विनेश ने कहा कि हमें नहीं पता कि ये दिल्ली पुलिस से ही हैं या फिर कोई और है, बल्कि विनेश फोगाट ने यहां तक कह डाला कि पुलिस के भेष में ये ब्रजभूषण नहीं भेजे हो सकते हैं, सभी के पास हथियार हैं, हो सकता है कि हमारा एनकाउंटर कर दिया जाए। दरअसल दिल्ली में नए संसद भवन के सामने महापंचायत करने जा रहे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। इस दौरान पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में लिया था। इसके साथ ही जंतर मंतर से पहलवानों के टेंट भी उखाड़ दिए गए हैं। हालांकि पहलवानों ने साफ कर दिया है कि ब्रजभूषण के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। इस खबर में बस इतना ही, अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, कितने लोग हैं? मेरे कपड़े फाड़े गए हैं।